हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त हम हैं सारनाथ रेलवे स्टेशन पर और आइए दिखाते हैं यहाँ क्या कुछ है खास और क्या इसकी खूबसूरती। यह प्रमुख द्वार है सारनाथ रेलवे स्टेशन का। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, चूँकि अभी बारिश हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी लगा हुआ है। हालांकि सारनाथ रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है। बनारस के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो सभी आपको बेहतरीन दिखेंगे, चाहे वो वाराणसी जंक्शन हो या बनारस रेलवे स्टेशन हो जिसको पहले मड़ुवाड़ी के नाम से जानते थे, या कि फिर वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन हो, या कि फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसको मुगल सराय के नाम से पहले जानते थे वो हो। और ये सारनाथ देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, और यहाँ से आप टूरिस्ट प्लेस घूम सकते हैं। गौतम बुद्धा की प्रतिमा को आप देख सकते हैं, अशोक स्तंभ भी आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। करीब करीब यहाँ से जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो 1 किलोमीटर के अंदर ही हैं, तो घूमने के लिए सारनाथ रेलवे स्टेशन से आप वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाइक पार्क करने के लिए और 4-व्हीलर पार्क करने के लिए जगह है, यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ियाँ। आइए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नज़ारे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए स्टेशन मास्टर के लिए बनाया गया है। हालांकि सभी ट्रेनें इस स्टेशन पर नहीं रुकती हैं, लेकिन मैक्सिमम ट्रेनें रुकती हैं। आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये वाला जो एरिया है ये पुराना है, यानी पहले का है। जो स्टेशन मास्टर वाला एरिया है वो नया बना हुआ है। यहाँ पर अभी भी टिकट काटा जाता है। ये देख सकते हैं कि किराया सूची लिखा हुआ है और समय सारणी लिखा हुआ है, कौन सी ट्रेन कहाँ से कब आती है और कब जाती है। समय सारणी के साथ साथ ट्रेनों की सूची यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर जनरल टिकट भी मिलते हैं और सामने कंप्यूटर वाला आरक्षित टिकट भी मिलते हैं, रिजर्वेशन। और एक यहाँ पर फ्लाईओवर एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। अभी सुबह का वक्त है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बिल्कुल शांति प्रिय, और हमेशा यह शांति प्रिय ही स्टेशन रहता है। सामने से एक ट्रेन अभी जस्ट आने वाली है। ये देखिए हम इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन ये रेलवे स्टेशन। आप कभी यहाँ पर आए हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए सारनाथ यहाँ पर 3 भाषाओं में लिखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में और चाइनीज़ में, कि जापानीज़ में है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट। ये देखिए सामने से एक ट्रेन आ रही है, DMU, इसको EMU, जी हाँ इलेक्ट्रिक से चलती है इसलिए इसका नाम EMU। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पर आप आए हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि हाँ हम सारनाथ ज़रूर घूमें देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।